अंतरिक्ष से धरती की एक विशेषता को देख साफ हो जाता है कि यह ग्रह सौरमंडल के सभी ग्रहों से अलग है। हमारी धरती का 70% हिस्सा पानी से ढका हुआ है। जहां समंदर जमीन से मिलता है, वहां पानी हर समय एक नियमित रूप से चढ़ता और उतरता है, जिसे टाइड्स कहते हैं। लेकिन ध्यान से देखने पर पता चलता है कि ये ज्वार भाटा कभी कभार कुछ ज्यादा ही तीव्र हो जाती है। धरती पर सभी टाइड्स, चाहे वो कितनी भी उग्र हों, अंतरिक्ष की एक शक्ति की वजह से बनती हैं। धरती पर ज्यादातर टाइड्स चांद की ग्रेविटी की वजह से बनती हैं, और कुछ हद तक सूरज की ग्रेविटी से भी। चांद धरती के बीच वाले हिस्से के मुकाबले उस हिस्से को अपनी ओर ज्यादा खींचता है जो उसके करीब है, जिसकी वजह से धरती का वो हिस्सा चांद की ओर थोड़ा सा उभर आता है। वैसे ही चांद धरती के सबसे दूर वाले हिस्से के मुकाबले उसके बीच वाले हिस्से को ज्यादा खींचता है, जिसकी वजह से चांद से दूर वाला हिस्सा बाहर की ओर उभरता है। यानी अब धरती दोनों तरफ से थोड़ी उभरती है। ये उभरना दरअसल समंदर का उभरना होता है, यानी एक हिस्सा चांद की तरफ उभरता है और एक चांद से दूर उभरता है। जब चांद धरती के चक्कर लगाता है और धरती सूर्य के, तो समंदर के उभरने से पानी का स्तर बढ़ता और कम होता है, जिससे ज्वार भाटा पैदा होते हैं, यानी हाई टाइड्स और लो टाइड्स। बे ऑफ फंडी पर टाइड्स की शुरुआत चांद के ग्रेविटी के खिंचाव की वजह से होती है, लेकिन इसका उग्र रूप बे ऑफ फंडी के अद्भुत फनल शेप की वजह से सामने आता है। समंदर का पानी जब अंदर आता है तो खाड़ी छोटी हो जाती है और उसकी गहराई कम हो जाती है। इसीलिए जब टाइड के कारण पानी बढ़ता है तो उसकी ऊंचाई भी बढ़ने लगती है। लेकिन एक और रहस्य है जिसकी वजह से टाइड्स इतनी ऊंचाई हासिल करती हैं। समुद्र तट पर छोटी लहरों के टकराने के अलावा बड़ी लहरें भी आती हैं, जो समुद्र तट से लगातार टकराती रहती हैं। बे ऑफ फंडी पर बड़ी लहर को बे के मुंह से तट तक पहुंचकर टकराने और वापस लौटने में करीब 12 घंटे लगते हैं। अब क्योंकि समंदर में टाइड्स भी हर 12 घंटों में चढ़ती और उतरती है, इसीलिए एक सटीक समय पर बे के मुंह के पास ये बड़ी लहर दूसरी बड़ी लहर से टकराती है, जिससे वापस जाकर तट से टकराने की ऊर्जा मिलती है, और वापस टकराते समय टाइड्स पानी के स्तर को 50 फुट तक बढ़ा देती है। दो घंटे पहले ही ये नाव 15 फुट की ऊंचाई पर थीं, हाई टाइड मार्क पर, यानी वो पानी का निशान जो वहां उन लकड़ियों पर गहरे और हल्के रंग में नजर आ रहा है। सभी नाव इस समय समंदर के तल पर बैठी हैं। लाखों करोड़ों सालों से बे ऑफ फंडी पर टाइड्स ने सैंडस्टोन पत्थरों से टकराकर उन्हें उनका आकार दिया है, और आज वो एक अद्भुत रूप ले चुके हैं, समुद्र से उठे विशाल फूलदान की तरह। वक्त के साथ समुद्र के तट पर ये इरोजन होता रहेगा, आखिरकार ये पत्थर क्षय होकर गिर जाएंगे और नए आकार बनने शुरू होंगे। बे ऑफ फंडी की टाइड्स सिर्फ पत्थरों को काटने का काम नहीं करती, वो किसी की जान लेने की क्षमता भी रखती हैं। अक्सर किनारे से 1.5 किलोमीटर दूर सैर करते हुए भी लोगों को हाई टाइड नजर आ जाती है। 20 जनवरी 2012 लो टाइड के दौरान बे ऑफ फंडी पर लॉबस्टर के जाल को देखने गए दो मछुआरे डूबकर मारे गए। बे ऑफ फंडी पर टाइड 1 इंच प्रति मिनट की रफ्तार से चढ़ती है, यानी उसकी रफ्तार बहुत तेज है। ऐसे में संभावना है कि आप तेजी से आ रहे पानी के बहाव में खींच लिए जाएंगे। बे ऑफ फंडी पर शायद धरती की सबसे ऊंची टाइड्स आती हो, लेकिन धरती की दूसरी ओर एक अलग किस्म की खतरनाक टाइड किनारे पर अपनी हुकूमत चलाती है।
धरती पर ऐसी कई जगह हैं जहां जबरदस्त टाइड्स भयानक प्रलय का रूप ले सकती हैं। चाइना का पूर्वी किनारा, यहां शंघाई के दक्षिण में साउथ चाइना सी का पानी बॉटलनेक आकार वाले होंगज्यू बे के अंदर आता है। चियांगटांग नदी पर पानी का स्तर बढ़ने से लहरें नदी के बहाव की उल्टी दिशा से अंदर आने की कोशिश करती हैं, जिससे पानी इतना बढ़ जाता है कि वो 30 फुट की ऊंचाई के साथ 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ने लगता है। इसे बोर टाइड कहते हैं। किसी साधारण टाइड के मुकाबले बोर टाइड का निर्माण तब होता है जब टाइड का पानी तेजी से किसी नदी या खाड़ी की धारा की विपरीत दिशा में अंदर आता है, जिससे लहरों का निर्माण होता है। ये लहर बनती है क्योंकि पानी बड़ी तेजी से अंदर आ रहा होता है और उसकी वजह से चियांगटांग नदी पर टाइडल बोर की ऊंचाई अच्छी खासी 30 फुट की बनी रहती है। चियांगटांग नदी पर बोर टाइड हर महीने दो बार पैदा होती है जब सूर्य और चांद दोनों का गुरुत्वाकर्षण धरती पर असर डालता है। महीने में दो बार, जब अमावस्या या पूर्णिमा होती है और जब सूर्य चांद और धरती एक ही लाइन में आ जाते हैं, तब सूरज द्वारा बनने वाली टाइड्स चांद से बनने वाली टाइड्स का साथ देती हैं, जिसकी वजह से बहुत ही बड़ी टाइड्स का निर्माण होता है। इन्हें स्प्रिंग टाइड्स कहा जाता है क्योंकि ये स्प्रिंग की तरह उठती हैं। हालांकि अमावस्या और पूर्णिमा की वजह से हाई टाइड्स का निर्माण होता है, लेकिन अंतरिक्ष का एक और रहस्य है जिसकी वजह से ये बोर सबसे जबरदस्त रूप ले पाती हैं। 8वें चंद्रमास के 18वें दिन पर 170,000 से भी ज्यादा सैलानी चियांगटांग नदी पर होने वाले बोट टाइड उत्सव में हिस्सा लेते हैं। उस दिन ऑटम्नल इक्विनॉक्स भी होता है, यानी उस दिन सूरज का केंद्र और धरती का इक्वेटर एक ही प्लेन में होता है, जिसकी वजह से गुरुत्वाकर्षण सबसे ज्यादा होता है। इसी दौरान चियांगटांग नदी धरती के सबसे बड़े बोर का निर्माण करती है। पानी के इस उफनते गरजते दानव में हजारों घोड़ों की शक्ति होती है। इन लहरों पर दुनिया के सबसे बेहतरीन सर्फर्स के भी पसीने छूट जाते हैं। इन लहरों में अद्भुत क्षमता होती है, ये पेड़ों को उखाड़ सकती है और जिस ताकत के साथ ये टाइडल बोर नदी के विपरीत दिशा में बहती है वही उसे खतरनाक बनाती है। 2000 साल पहले यहाँ टाइड को देखने की प्रथा शुरू हुई और वक्त के साथ इस बेहद अद्भुत बोर टाइड का नाम सिल्वर ड्रैगन पड़ा। अक्सर नजारों को देखने आए उत्साही दर्शक ज्यादा करीब खड़े होने की वजह से पानी के बहाव में खिंचे चले जाते हैं। 2011 में टाइफून नामाडोल की वजह से तेज हवाएं और बारिश ने बोर की उग्रता और बढ़ाई, जिससे वो 70 फुट की बेमिसाल ऊंचाई तक पहुंचा। पानी डैम के ऊपर से निकल गया और ये रिपोर्टर उसका शिकार बनी। बोर टाइड फेस्टिवल ने 19 लोगों की जानें ली। वो इस नदी की अब तक की सबसे बड़ी तबाही थी। चियांगटांग नदी का टाइडल बोर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ता है। जो इससे टकराएगा उसे लगेगा जैसे वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रही किसी गाड़ी से टकराया। ऐसा खतरनाक बोर चियांगटांग नदी पर साल में एक ही बार आता है। हमारी धरती पर एक जगह है जहां ऐसा हर रोज होता है। वैसे तो सभी टाइड्स शांत नजर आती हैं, लेकिन इनमें से कुछ विनाशकारी रूप लेती हैं। वैज्ञानिक समझ रहे हैं कि उनमें ऐसा क्या है जिनसे उनका रूप बदल जाता है। अलास्का के एंकरेज शहर के बाहर है टर्नगन आर्म, कुक इनलेट की वो नदी धारा
जो गल्फ ऑफ अलास्का से प्रशांत महासागर तक जाती है। यहाँ का खूबसूरत पानी और उसके आसपास मौजूद चुगैश पहाड़ की ओर बेलुगा वेल्स, बॉल्ड ईगल्स और ब्लैक बेयर्स खींचे चले आते हैं, लेकिन साथ ही दिन में दो बार एक अलग तरह की शक्ति पैदा होती है। यह है टर्निगन आर्म बोटाइड, पानी की वो दीवार जो विपरीत दिशा से खाड़ी में 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आती है। टर्निगन आर्म पर जमीनी हालात कुछ ऐसे अद्भुत हैं कि बोटाइड्स का निर्माण हर रोज होता है। यूनाइटेड स्टेट्स में ये इकलौती ऐसी जगह है जहाँ ऐसा नियमित रूप से होता रहता है। टर्निगन आर्म में बोर्स के बनने के पीछे का रहस्य है उसके उथले जल मार्ग में, जो छोटा है और उसकी गहराई काफी कम है। ये कुक इनलेट से जुड़ा है जहाँ यूनाइटेड स्टेट्स की सबसे बड़ी टाइड्स आती हैं। कुक इनलेट में लो और हाई टाइड के बीच का अंतर 10 मीटर तक हो सकता है। टर्निगन पर इसका असर इसलिए होता है क्योंकि वो ज्यादा गहरे कुक इनलेट से जुड़ा है। जब टाइड आती है तो इतनी भारी मात्रा में पानी आता है कि उसके पास कहीं और जाने की जगह नहीं होती। टर्निगन नाम के मुहाने पर 21 किलोमीटर लंबा चैनल छोटा होकर 3.5 किलोमीटर का हो जाता है और अपनी 64 किलोमीटर की लंबाई में वो पतला हो जाता है। अचानक राह छोटी होने की वजह से टाइड के दौरान लहरों का निर्माण होता है। क्रेस्ट या लहरों का सबसे ऊपरी हिस्सा निचले हिस्से के मुकाबले ज्यादा तेजी से आगे बढ़ता है, जिसकी वजह से आगे का हिस्सा पिछले हिस्से से आगे चलता है और इस तरह एक बड़ी बोर का निर्माण होता है। लेकिन धरती की दूसरी जगहों पर खराब मौसम की वजह से टाइड का पानी उम्मीद से बढ़ सकता है और शांत नजर आने वाली टाइडल वेव्स खतरनाक रूप ले सकती हैं। हरिकेन, टाइफून या साइक्लोन जैसे बड़े तूफान वातावरण में हवा का दबाव कम कर देते हैं और कम दबाव की वजह से समंदर का पानी टाइड के दौरान ज्यादा ऊंचाई हासिल करता है, जिससे बड़ी और तूफानी लहरों का जन्म होता है। 29 अक्टूबर 2012, हरिकेन सैंडी से बनी बड़ी तूफानी टाइड्स मध्य अटलांटिक और उत्तर पूर्वी यूनाइटेड स्टेट से टकराएं। सैंडी इतना खतरनाक इसलिए था क्योंकि तूफानी टाइड तो थी ही, लेकिन उसी समय हाई टाइड भी थी और ये दोनों चीजें मिल गई, जिसकी वजह से तूफानी लहरें 8 फुट तक उठी। अब इसे आप हाई टाइड की लहर के ऊपर रख दें तो क्या होगा? जैसा कि हमने देखा, यहां के कई इलाकों में ऐसी तूफानी टाइड्स आईं जैसे पहले कभी नहीं आई थी। तूफानी टाइड कुछ जगहों पर 17 फुट तक उठी, यानी 2 मंजिला इमारत की ऊंचाई जितनी। टाइड का अतिरिक्त पानी निकलकर निचले हिस्सों, छोटी खाड़ियों, नालों और आइलैंड्स में चला गया। लॉन्ग आइलैंड के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में तूफानी लहरों के कारण 3 किलोमीटर के इलाके पर बाढ़ आ गई। ये भयानक टाइड के कारण मची तबाही का मंजर आसमान से साफ नजर आता है। 2012 तक सैंडी यूएस के इतिहास का दूसरा सबसे महंगा हरिकेन साबित हुआ। जब तूफानी टाइड उठती है तो वो अपने साथ हर तैरती हुई चीज को उठाती है और नाव तो तैरती ही है, और यहाँ आप देख सकते हैं सब आकर जमा हो गए। इस नीली धरती पर पानी आतंक मचाता रहेगा। चांद के गुरुत्वाकर्षण से उठने वाली लहरें तूफान और आतंक का रूप लेती रहेंगी। हाई टाइड के दौरान पानी में जाना, बीच पर एंजॉय करना हर किसी को अच्छा लगता है, लेकिन टाइड से डरना भी जरूरी है।